एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते हैं या मेरे कोर्सेज कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से मेरे बारे में पता होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? सो जो कि जिनको करने के बाद स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अपना करियर सेट कर पा रहे हैं। आज आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारी अकेडमी के साथ मिलकर। मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूं कि कौन इस तरह से आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम में सिर्फ 1 आवर पर डे भी अगर आप डिपॉजिट अपना डिवोट करते हो, जो कि हायर लेवल पे है, तो भी आप कैसे 50-60,000 आप अर्न कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है? उसके बाद आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज में इसमें कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कितनी अर्निंग प्रोस्पेक्टस है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, आपको पता होगा कि हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं जिसमें टोटल मिला के 11 कोर्सेज हैं अभी एट प्रेजेंट। और मेन कोर्सेज अगर मैं बात बताता हूँ तो जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल, टैली में ईआरपी 9 भी है, प्राइम भी है, फिर म्यूचुअल फंड आता है, पावर पॉइंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज है। अब इन कोर्सेज के कौन करता है और आपको कैसे रिवेन्यू का पार्ट आता है? सबसे पहली बात रिवेन्यू के पार्ट की, आपको क्या करना है, आपको इन कोर्सेज के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां पे भी आप चाहें वहां पे इनके बारे में आप शेयर करें, ठीक है? जब इनके बारे में आप शेयर करेंगे और आपके थ्रू कोई परचेज करेगा, आपको टोटल फीस का 50% अर्न होगा, करेक्ट है? सो इसके थ्रू मतलब आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। अब बात आती है कि सर कौन परचेज करेगा और क्यों आपके कोर्सेज परचेज करेगा। पहली चीज, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कौन और क्यों परचेज करेगा, उन्होंने बेनिफिट लिया है। जो न्यू पर्सन है जो वीडियो देख रहे हैं उनके मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। आज आपको भी पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, हम जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं वो कुछ और ही होता है, और एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में वो अलग ही लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट है ये बात? सो ग्रेजुएशन करने के बाद या एमबीए करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी, बहुत अच्छे कॉलेजेस से लाखों रुपए और इतने साल डिवोट करने के बाद भी, जब आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो जॉब मिलती नहीं है, और मिलती है तो 10-15 हज़ार रुपए में सिर्फ आपको जॉब मिलकर रह जाती है। मींस इंडिया की बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन सिस्टम, करेक्ट है? उस गैप को रिमूव करने के लिए ये है सारे कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, इनमें साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे से करियर करते हैं इसमें बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ जीरो लेवल से पढ़ा है, तो पहले से आपका क्या बैकग्राउंड है मैटर नहीं करता है। प्लस ये कोर्स बहुत वाइड ऑडियंस है, मीन्स इन द सेंस कि 12th या उससे अबव कोई भी कर सकता है, तो इनको स्टूडेंट्स भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं, रिटायर्ड पर्सन भी करते हैं, या 50-60 एजेस के लोग भी करते हैं, क्योंकि उनको एक साइड अर्निंग चाहिए होती है। इसके बाद आप अपनी जॉब में भी ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करके बाकी स्टूडेंट्स की तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1-2 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं विद इन फर्स्ट ईयर, अभी कोर्स किए हुए उनको 4-5 मंथ्स हुए हैं और वो आज 1 लाख पर मंथ की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो अर्निंग स्कोप बहुत ज्यादा है। रीजन सिंपल है, टैक्सेशन ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, किसी भी देश को चलाने के लिए, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स ही चाहिए, और टैक्स कॉम्प्लिकेटेड ही होता है हमेशा, ठीक है? जिस पर्सन को टैक्स नहीं पता उसके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड ही है ना। तो आपका स्कोप ना अनलिमिटेड है, हर छोटी छोटी शॉप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स की उनको रिटर्न करनी होती है, आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा इसके अंदर स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है। प्लस आप किन को ये सेल कर सकते हैं कोर्स, किन को रिकमेंड कर सकते हैं, जो 12th स्टूडेंट्स हैं या पास आउट है उनके लिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाहते हैं वो। टैली का कोर्स है जो कि हर कोई करता ही है, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस कोर्स के बाद डायरेक्टली वो अर्निंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है अपने आप की स्किल्स डेवलप करने के लिए। उसके बाद आप चाहे 12th पास आउट है चाहे किसी भी लेवल पे, आप अपनी जॉब में भी ग्रोथ कर सकते हैं, और सेकंड आप अपना सेल्फ बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट करके उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट इन द सेंस कि जिनको आप कैटर करेंगे बहुत वाइड ऑडियंस है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे भी करेंगे तो बहुत ईजी है आपको किसी को भी रिकमेंड करना, बहुत ईजिली ये परचेस करते हैं लोग। सेकेंड थिंग,
वाई स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी, जिन्होंने पढ़ा है उनको इस चीज़ की क्वालिटी का, उसको कंटेंट का अच्छे से नॉलेज है, और जो फर्स्ट टाइम है उनको मैं बताता हूँ। स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी की ये सर्टिफिकेशन कोर्स ऑल ओवर इंडिया नंबर वन कोर्सेज में से एक है, क्योंकि बहुत यूनिक तरीके से है, जीरो लेवल से है, सिंपल लैंग्वेज में, और एक्चुअल में प्रैक्टिकल है सिंपल तरीके से, बिना किसी हैवी बर्डन के कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। जो फालतू की चीज़ें हैं बुक की वो सब खत्म कर दी हैं, जो एक्चुअल में काम आएगा वो इसमें है, और ये तक सिखाया कि कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे ग्रो करना है, फर्म का नाम क्या रखें, अपना विजिटिंग कार्ड कैसे बनाए, छोटी 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 चीज़ों को भी इसमें कवर किया गया। सेकेंड थिंग, कोविड के कारण इस टाइम पे फीस बहुत 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 ज़्यादा नॉमिनल है, तो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पे मैं पहले 45,000 रुपीज लेता था, तो शायद अब वो कोर्स 9,000 के अराउंड रहेगा। तो जहाँ पे आप ऑफलाइन में दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट की वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऐसे ही किसी से है, यहाँ पे बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उस पर साइन करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने ये कोर्सेज पढ़े, वो जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो एज अ पर्सन मुझे पीयूष गुप्ता मे बी नहीं भी जानते हो, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ा है, यानी कि आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज है, इस चीज का एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि कौन इसमें अर्न कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस अर्निंग पर्पस में एनरोल करने के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएसटी का कोर्स परचेज किया, एडवांस सर्टिफिकेशन, या फिर कोई भी कंबाइंड कोर्स लिया है, टैक्स एक्सपर्ट, अकाउंट एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, सिल्वर क्लब, या फिर आपने गोल्डन क्लब लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, तो ये कवर कोर्स परचेज करने के बाद आप एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में एक चैट का सेक्शन होगा, वहां पे एक चैट होगी आपके कोर्स के नेम से। फॉर एग्जांपल, आपने टैक्स एक्सपर्ट परचेज किया, तो टैक्स एक्सपर्ट के नाम से वहां पे एक चैट डेवलप होगी, उसके अंदर एक लिंक होगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कुछ बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद उस नंबर पर आपको पूरे का पूरा प्रोसेस शेयर कर दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप बहुत इजीली इसमें मतलब अर्न कर सकते हैं। अब कितना अर्निंग आप कर सकते हैं, इसमें आप 50% अर्न कर सकते हैं, जितना का भाई आप कोर्स सेल करते हैं उसका 50% आपको मिलेगा एट प्रेजेंट। बाद में ये फिर से बेनिफिट कम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ओपन किया है, जो स्टूडेंट सीरियसली एनरोल करना चाहते हैं ताकि वो टाइमली कर लें इस चीज में। अब 50% के मतलब कितना आपका अर्निंग का स्कोप आता है, देखिए, एक मैं सुपर एक्सपर्ट कोर्स की बात करता हूँ, जो मीडियम है, इससे लोअर कोर्स प्राइस के भी हैं और हायर प्राइस के भी हैं। सुपर एक्सपर्ट कोर्स में चार कोर्स आते हैं, हमारे एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, और टोटल फीस उसकी 6,880 है एट प्रेजेंट, तो रफली हम 7,000 मान लेते हैं। 7,000 का 50% आपका है 3,500, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन या किस तरह से अर्निंग होगा वो लेटर ऑन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी, अभी मैं एक रफ फिगर ले रहा हूँ। 3,500 रुपीज आपके, आपने सोशल मीडिया पे शेयर करा, मेरा अभी इसकी वैल्यू जिसको समझ में आ गई वो परचेज इजिली कर लेंगे, क्योंकि डेमो देखने के बाद ना, और उनको भी पता है कि हाँ अर्निंग स्कोप क्या है इसमें, सो बहुत इजिली स्टूडेंट्स परचेज कर लेते हैं। मैं एक नॉमिनल कर दूँ, बहुत नॉर्मल, कि 10 स्टूडेंट्स ने आपके थ्रू परचेज कर लिया, बहुत छोटी अमाउंट है 10 स्टूडेंट्स, 35,000 रुपीज आपके, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है कम वैल्यू भी मान लेते हैं, 30,000 स्टूडेंट्स किसी के थ्रू, उनके थ्रू आपको 30,000 रुपये आपके मंथली होगी। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो आपका अर्निंग स्कोप बढ़ता रहेगा, कैसे कहाँ शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, क्या करें क्या ना करें, वो सब चीज हमारी टीम आपको गाइड करेगी पूरी तरह से। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, एक कोर्स परचेज करना है, वो भी सिर्फ आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पहले मैंने ये सबके लिए ओपन किया था, बट उसमें ना जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, सो उनको मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक हो गया था, सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं है और बाय चांस आप वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है और आप कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, तो आपके लिए डिफरेंट ऑप्शन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिटेल में मिल जाएगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी देर मत करिए, फटाफट फटाफट, अगर आपका अर्निंग का मन है कि हाँ मैं बाकी सबकी हेल्प भी करूँ, उनको करियर में भी हेल्प करूँ, उनको अनएम्प्लॉयमेंट उनका फिनिश करूँ और अपने आप भी अर्न करूँ, सो देन यू कैन डू दिस। अब लास्ट क्वेश्चन, एक बनता है, सर आप ऐसा कर क्यों रहे, मतलब आपसे हम पढ़े हैं, आपका कंटेंट ऑलरेडी इतनी नॉमिनल फीस पे होता है, उसमें हमें समझ में भी आता है कि आपकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रिवेन्यू पार्ट बहुत लिमिटेड रहता है, देन व्हाई दिस। 2021 में मेरा टारगेट है 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स तक को मतलब क्रिएट करना जो 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा अर्न करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ब्लेम करना, बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी सिर्फ हमारे अपने कारण है,
गवर्नमेंट को ब्लेम करके कुछ नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना कुछ, बस हम ब्लेम किसी और के नाम पे कर दिया और अपने आप शांति से परेशान हो रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं। जो अगर सीरियसली हम इस चीज को समझते हैं और थोड़े से राइट डायरेक्शन में एफर्ट देते हैं, तो बेरोजगारी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।